क्या नाम क्या होगा आपका? खतीबान खातून। अच्छा ये बताइए आपको इंदिरा आवास मिला है कि नहीं मिला? मिला है, हमारा हाथ में नहीं मिला है, रोका है कि 30,000 रुपया दीजिएगा तो हम काम लगाएंगे, ना तो नहीं लगाएंगे। तो बताइए हम गरीब 30,000 रुपया का घुस का डिमांड? हाँ, घुस के कौन मांग रहा? घुस कौन मांग रहा? मांग रहा जो उसमें है वो मांग रहा। हम नाम कहे खोले कि हम फलना आदमी मांग रहे। किनको दीजिएगा? जी हम अपना जो नया चुने हैं उनको देंगे। नया चुने? हाँ, हमारा उसी से अब आबादी मिलेगा या चाहे बर्बादी मिलेगा। अच्छा, अब हमारा सब कोई कुछ वही है उठाम लिए हम लोग। भी जितने के बाद उसी तरह से करेंगे तो फिर क्या कीजिएगा? नहीं करेंगे, हम लोग के विश्वास है कि वो नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। करेंगे तब वो समक्ष रहेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पानी का यहाँ पर सामने से एकदम दिखाई दे रहा है कि बर्बादी हो रहा है, पानी का बर्बादी हो रही है। आप देख रहे हैं नतीजा पानी का क्या हाल है? तो इसका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत है, गलत हो रहा है जी। हाँ, यहाँ पर टोटी लगना चाहिए कि नहीं लगना? एकदम लगना चाहिए, चाहे जिसका ऐसी है अपना जिसका जिम्मेवारी है उसका निभाना चाहिए कि हाँ कहाँ हमारा पानी बर्बादी हो रहा है उसको वहाँ पर लगा देना चाहिए नल। बाकी आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 7 से मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया हूँ और किस तरह से यहाँ पर एक से बढ़कर एक समस्याएं मौजूद है। इसी तरह से बाकी विक्रमगंज के सभी वार्डों का मैं तकदीर और तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 7 नंबर वार्ड की तस्वीरें है। ये पानी की बर्बादी हो रही है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। आज तक मेरा अभी कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड। हम लोग का नौकरी करते हैं, मजदूर आदमी है। हम लोग चाह रहे हैं कि नया प्रतिनिधि कोई आए, वार्ड के जो सदस्य है वो अपना मर्जी से काम कराते हैं। तो जैसा कि चुनाव की प्रक्रिया अभी जारी है तो इसमें जनता का क्या विचार है? जनता का विचार हो, जनता बदलेगा, बदलेगा एकदम, सरकार बदल देना है। हम लोग चाह रहे हैं कि नया प्रतिनिधि कोई आए। अब प्रतिनिधि मिल गया है और हम लोग देंगे वोट। प्रतिनिधि को आपने चुन ही लिया? चुन लिया है, मन ही मन चुन। हाँ, मन ने कर डायरेक्ट चुने हैं। अच्छा, कैमरे के माध्यम से बोल सकते हैं? हाँ, एकदम बोल सकते हैं। अच्छा, किसको वोट देना चाहते हैं? हम लोग सैफी को देंगे वोट। सैफी को? सैफी को। इधर कचरा उठाने वाला गाड़ी आता है? हम लोग की तरफ गाड़ी नहीं आता है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? धनगाई के रहने वाले हैं। किस नंबर वार्ड के? 7 नंबर वार्ड के हैं। 7 नंबर वार्ड जी। 7 नंबर वार्ड में जैसा कि अभी यहाँ पर सामने ये नल का जल डायरेक्ट एकदम टूट कर, हाँ डायरेक्ट टूट कर बह रहा है, यहाँ भी बह रहा है, वहाँ मेरे घर के पास भी 2-4 जगह बह रहा है और दिन भर चालू रह रहा है। जब पानी का जरूरत है तो पानी नहीं है, जब नहीं है तो है दिन भर। तो इस तरह से पानी को बर्बाद करना ये किस हद तक सही है? अच्छा थोड़े है ना, है पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा आदमी पीने बगैर। इस 7 नंबर वार्ड में विकास कितना हद तक हुआ? कहा देखिए रहे हैं 7 नंबर वार्ड में विकास, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब आपको नजर आ रहा है खुद। क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है इस चुनाव में? अब इस बार अच्छा बनेगा हमारा नेता, उसके बाद काम कराएगा तो बदलाव होगा या फिर? हाँ, आपकी बार तो बदलाव करना है किसी हाल में, एकदम करना ही है। आपकी बार बदलाव करना है। क्या लगता है कि इस 7 नंबर वार्ड का वार्ड अध्यक्ष नया कौन होगा? नया सैफी हुसैन रहेगा। हाँ। ये आप देखिए, ये विक्रमगंज के वार्ड नंबर 7 की तस्वीर है और यहाँ पर पानी डायरेक्ट चल रहा है, नल जल योजना की पानी चल रहा है और जिसमें देख सकते हैं कि न तो यहाँ पर नल की टोटी लगाई गई है। 7 नंबर वार्ड है, वो कहते हैं जैसा गिरेगा वैसा इथी होगा। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि 7 नंबर वार्ड में पानी नहीं आता है। पानी बंद होता है अपने से चालू कराते हैं, अपन मर्जी से चालू कराते हैं, अपन मर्जी से बंद कराते हैं। उनका जो मर्जी करेगा बहरवाएंगे और उनका मर्जी करेगा तो पानी गिरवाएंगे, आना तो अपना बंद कर देंगे। ये पानी की बर्बादी हो रही है, सही हो रहा है गलत हो रहा है? गलत हो रहा, मगर उनसे जे बोलेगा तो अपना आरोपी दिखाएंगे, इसीलिए गाँव सब डरा उरा के रहता है उनसे। अच्छा, मतलब डर के रहते हैं आप लोग? चाचा का नाम परिचय? हमारा शमशेर शाह पड़ेगा। हम लोग का 15 बरस ले राशन नहीं मिलता है। राशन नहीं मिलता जी? नहीं, हम लोग का 4 भाई का राशन नहीं मिलता है। हम लोग गरीब व्यक्ति है, हम लोग कमाने खाने वाला आज कमाएगा। इंदिरा आवास मिला है कि नहीं मिला है? हम लोग मिला है 4 बार। का कौन हुआ? हमारा घर ये है, हम लोग के इंदिरा आवास मिला है। हाँ सब नहीं, इंदिरा आवास कुछ नहीं मिला है। हाँ, पैसा मांगते हैं? हम लोग का है कि हम लोग कई बार रहती कि एप्लीकेशन किए नगर पंचायत में गए अपना करके। देख सकते हैं कि हम 7 नंबर वार्ड में मौजूद है और यहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे यहाँ की समस्याएं जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद निजाम। ये बताएं कि रुआ जौन वार्ड में समस्या अभी कैसा? वार्ड के तो एकदम समस्या खराब है, आज तक कभी साफे नहीं हुआ, आज तक मोरिया ना झाड़ू लगाई, झाड़ू भी नहीं लगा, कुछ नहीं इधर, कुछ इधर तो थोड़ा। अच्छा, समय समय पर सफाई होता है? कभी नहीं, कभी नहीं, हम लोग पैसा देकर साफ कराते हैं। पैसा देकर साफ? पैसा देकर, वही जो रहता है सब बिगने वाला जी। उसी को इधर कचरा उठाने वाला गाड़ी आता है? हम लोग के तरफ गाड़ी नहीं आता है।
अच्छा क्यों नहीं आता है? अभी क्या बताए, नेताजी लोग के, विधायक लोग के, सबके सरकार के जैसे अपना अपना मर्जी चला रहा है, लोग अपना मर्जी चल रहा है, अपना मर्जी चल रहा है। यहाँ वार्ड के जो सदस्य हैं वो अपना मर्जी से काम कराते हैं। तो जैसा कि चुनाव की प्रक्रिया अभी जारी है तो इसमें जनता का क्या विचार है? जनता का विचार हो, जनता बदलेगा, बदलेगा एकदम, सरकार बदल देना है इसमें। अब अपना विचार, हाँ अपना विचार यही है, हम लोग चाह रहे हैं कि नया प्रतिनिधि कोई आए। आप प्रतिनिधि मिल गया है और हम लोग देंगे वोट। प्रतिनिधि को आपने चुन ही लिया? चुन लिया है। मन ही मन चुन? हाँ, मन ने कर डायरेक्ट चुने हैं। अच्छा, हाँ। कैमरे के माध्यम से बोल? हाँ, हाँ, एकदम बोल सकते। अच्छा, किसको वोट देना चाहते हैं? हम लोग सैफी को देंगे वोट। सैफी को? सैफी को। क्या लगता है कि सैफी इस चुनाव में जीत पाएंगे? जीत रहा है, जीत रहा है। बाकी आप देख रहे हैं कि 7 नंबर वार्ड से मैं आपको ये जानकारी देने का प्रयास किया। हमारा जानकारी ये कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूँ एक ऐसे ही खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम क्या हुआ आपका? खतीबन खातून। अच्छा, ये बताइए आपको इंदिरा आवास मिला है कि नहीं मिला? मिला है, हमारा हाथ में नहीं मिला है, रोका है कि 30,000 रुपया दीजिएगा तो हम काम लगाएंगे, ना तो नहीं लगाएंगे। तो बताइए, हम गरीब 30,000 रुपया का घूस का डिमांड? हाँ, हाँ, घूस के। कौन मांग रहा है घूस? कौन मांग रहा है? मांग रहा जो उसमें है मांग रहा। हम नाम कहे खोले कि हम फलना दिन मांग रहा, पार्षद मांग रहा, और कौन मांगेगा? तो हम ऐसे, हम बाकी आप देख सकते हैं कि ये विक्रमगंज की वार्ड नंबर 7 की तस्वीरें हैं। इस महिला का जो कॉलोनी होता है, इंदिरा आवास होता है, वो उसको पास कर दिया गया है, लेकिन अब तक ना तो कोई सच्चाई यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है इंदिरा आवास की, और ना ही उस तरह का कोई विकास हुआ है। इस तरह की समस्याएं ज्यों की त्यों पड़ी हुई नजर आ रही है, और किस तरह से महिला जो है आरोप लगा रही है कि इंदिरा आवास में किस तरह से इनसे घूस मांगा जा रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कि मैं अभी 7 नंबर वार्ड में मौजूद हूँ और 7 नंबर वार्ड से ये तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक तरफ जहाँ विक्रमगंज स्वच्छ विक्रमगंज और सुंदर विक्रमगंज बनाने का सफल प्रयास किया जा रहा है, और एक तरफ भ्रष्टाचार की तस्वीरें सामने नजर आती रह रही हैं। नाम क्या हुआ आपका? खतीबन खातून। अच्छा, ये बताएं कि इंदिरा आवास मिलल बाकी नहीं? मिलल बा, बाकी हम जिसे मन सूची में नाम आ गया है। अच्छा। हमारा नहीं मिल रहा, 30,000 रुपया रुका गया है, लेकिन अब तक ना तो इस व्यक्ति, ये जो महिला है, ना तो इनका घर का निर्माण किया गया है और ना ही कोई मतलब इन। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। जैसा कि विक्रमगंज नगर परिषद का चुनाव जोरों शोरों पर है और इसको लेकर के प्रतिनिधि जो है प्रचार में उतर चुके हैं, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव की प्रक्रिया तेजी से जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वार्ड नंबर 7 है विक्रमगंज नगर परिषद का, और यहाँ पर हम लोगों की जन समस्याएं सुनने के लिए आए हैं और दिखाने के लिए आए हैं। एक छोटा सा हमारा प्रयास है जिसमें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से जो पहले की समस्याएं हैं वो अभी की अभी उसी तरह की बनी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, देख सकते हैं कि महिलाएँ भी मौजूद हैं, कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं और कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। हम इनसे बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद समीउल्लाह खान हुआ, हम वार्ड नंबर 7 में हैं। अच्छा, किस प्रकार की अभी समस्याएं इस वार्ड में अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है? वार्ड में तो सर समस्या ही समस्या है। देखिए, नाली को सुबह में लोग बोले हैं कि नाली साफ होता है हर हफ्ते, आज देखने की चीज़ है सर, नाली भरा हुआ है। और वार्ड पार्षद का मानना है कि इस वार्ड में काफ़ी विकास हुआ है, क्या क्या विकास हुआ? कहाँ सर विकास हुआ है, ना कुलनी हमको मिला है, ना पानी का सप्लाई हमारे पास घर पे नहीं है, जाकर देख लीजिए। पानी का सप्लाई नहीं होता है? नहीं नहीं, ये पुराना ये थाना पर से जो टंकी आया था वो भी सब खत्म है, जो ये नया हमारा गाँव में जो गला हुआ है तो वहीं से घुमा दिया गया है। इधर किसी के घर में ये जो धनगाई में गला हुआ है पानी टंकी, किसी के घर में नहीं है, आप चेक कर लीजिए। कनेक्शन किसी के घर में नहीं? नहीं है, पाइप तो दिख रहा है पानी का। ये तो थाना पोका है। अच्छा, ये थाना पोका से जो टंकी आया है, हाँ। ये थाना पोका पाइप है। आइए कैमरामैन से एक बार अनुरोध करूंगा कि जरा इस तस्वीर को दिखाया जाए कि किस तरह से देख सकते हैं पानी का पाइप है, और देख सकते हैं कि ये पाइप किस तरह से टूटा हुआ पड़ा हुआ है। इसी तरह से बिल्कुल आप देख सकते हैं कि चारों तरफ का पाइप बिल्कुल ही टूटा हुआ है, और नली की स्थिति भी काफ़ी जर्जर दिखाई दे रही है। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं और कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम सभी से जानने का प्रयास करेंगे। एक मिनट इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन हुसैन। इसी वार्ड में रहने वाले हैं? 7 नंबर। अच्छा, इसमें वार्ड में कितना विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं है। कुछ नहीं? ऐसा नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई मतलब जब हम लोग के अभी आज तक इतना दिन से हम लोग चुनाव जिताते आते हैं, हर एक नेता को हम ही लोग जिताते हैं। अच्छा। आज तक मेरा अभी कार्ड नहीं बना है, राशन कार्ड। हम लोग का नौकरी करते हैं, मजदूर आदमी हैं। कभी काम के लिए मतलब बोले हैं कि कार्ड बनाइए? सब फार्म सब अप्लाई किए हैं। अच्छा। नहीं मिला है, अब उसको हम हाथ गोड़ पड़े। अच्छा, बताइए कि जो मुख्य समस्या अभी कौन कौन सी आपके वार्ड में पड़ी हुई है? बहुत समस्या है।
हर एक चीज के व्यवस्था कुछ नहीं है। नाली में कूड़ा, दो घंटा टाइम उसको 11 बजे तक है साफ करने वाला के, वो आता है तो 2 घंटा उसके हाटा में रहता है, 2 घंटा तो उस से निकलेगा 9 बजे, 2 घंटा इधर 2 ठेला बिगेगा उसका समय खत्म, 11 बजे का तो बस काम खत्म हो गया, 2 घंटा 2.5 घंटा उसके हाटा में रहता है। यानी कि ठेला सफाई करने के लिए आता है? आता है तो 2 घंटा में पूरा वार्ड नहीं ना साफ हो जाएगा। अच्छा, और पानी की जो समस्या, ये जो पाइप दिख रही है काफी हर जगह टूटी हुई पड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो टूटी जब टूटी है तो टूटी, मरम्मत कभी होता है या नहीं होता? कभी नहीं होता है, यहाँ पानी बह रहा है रोड पर पानी बह रहा है। इस बार का क्या विचार क्या है, जनता का विचार क्या है कि जनता बदलाव खोज रही है? बदलाव खोज रही है वार्ड पार्षद के। तो आपके नज़र में कौन वो प्रतिनिधि होंगे जो चुनाव में जीतने? हमारे सैफ अली है। सैफ अली, मैं और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूंगा, क्या नाम है चाचा आपका? कलीम खान। और जैसा कि यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है कि वार्ड में विकास नहीं हुआ है, देखिए तो देखने वाली चीज़ है, इधर देखने वाली चीज़ है, आप भी देख सकते हैं कि क्या विकास हुआ है वार्ड नंबर 7 में, यही 6 नंबर है जाकर देखिए कितना विकास हो गया उसमें, यानी 6 नंबर में विकास हुआ है इस वार्ड में विकास कुछ नहीं, तो देखने वाली चीज़ है। और बाकी मैं महिलाओं से भी जानने का प्रयास करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं हैं कुछ मौजूद हैं, गली गली चमक रहा है, सात वार्ड में कोई वार्ड है ये नहीं है, इसलिए गली भी बुरा तरीका है, नली भी बुरा तरीका है, पाइप दिया गया है उसमें पानी नहीं है, खाली जो कैट घूस दीजिए हमको 30,000-40,000 घूस दीजिए, और हाँ घूस मांगता है, घूस मांगता है वो हर मकान के लिए घूस मांगता है, कहीं से लिया के दीजिए, हम दिए हैं उनको। अच्छा, हाँ फिर भी वो काम नहीं किया, ये नहीं बोलते हैं कि हम वोट दिए हैं तो हमारा काम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? नहीं कह रही नहीं करेगा, करेगा कहीं से आप पैसा दीजिए। अच्छा, डोम काटे जो डोम को जबरदस्ती साफ किया मोरी तो डोम को हटा दी। अच्छा, कचरा साफ करने वाला आता है नहीं आता है? नहीं आता है यहाँ पर, आता है ना तो उसको हटा देता है। नल जल का पानी आता है? नहीं नहीं आता, कहाँ सूखा हुआ है, कभी भी आगे इंक्वायरी किया जाए। अच्छा, नहीं आता है, जो वार्ड है उसमें जी नहीं है, उन जो नहीं बगल का जो वार्ड है हाँ उसमें आता है, 6 वार्ड में आता है पानी, और बगल में उधर आ रहा है पानी, हम लोग में नहीं आता है, वजह क्या है? जी बोलिए जी, पानी की पानी बिना हमें तरसा देना, हो जाए ना फिर लेना तो अलाउ नहीं है, काहे नहीं है अलाउ, हम लोग अलाउ नहीं है, उन लोग अलाउ है, जो नल बैठा है वो कहता है कि इन्हें अलाउ नहीं है, तो ये तो 7 ही नंबर में आता है, तो 7 नंबर में ना तो ये गली के अलाउ नहीं है, उकारा के अलाउ नहीं है, अलाउ करेगा तब ना हम देंगे, वो चला गया वहाँ से वहाँ फिरा के चला गया, इधर नहीं लाया, ये पुराना नल है, पुराना नल के पानी बंद था, बंद हो गया, चलता था। अच्छा, विचार क्या है कि इस बार क्या किया जाए चुनाव को लेकर? चुनाव करके हमको विकास बढ़ाइए, विकास नहीं है, विकास करिए, हमको घर बनाइए, घर नहीं है, हम बेघर कहाँ है, पानी बरसात आता है तो हम बैठ के बिहान करते हैं, तो बताइए गरीब आदमी, हमको नया विकास चाहिए, बस बदलाव, हाँ बदलाव चाहिए। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या महिलाओं की प्रतिक्रिया है, यहाँ पर एक और भी महिला मौजूद है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या नाम होगा आपका? तारा। नाम बता दी? तारा। ये बताइए यही वार्ड के रहने वाले बानी? हाँ, ये तो ये वार्ड में कैसे विकास हो? ये विकास है कि मोरी साफ नहीं होता है, नल में पानी नहीं आता है, कचरा नहीं बिगाता है, हम लोग नहर पर लेके जाएं और तो सब कचरा जाता है नहर पर, नहर पर कचरा, हाँ कचरा डंपिंग स्टेशन नहीं बनाया जाता है, मतलब कचरा को एक जगह फेंकने के लिए कोई जगह नहीं बनाया, नहीं नहीं।